ये रही मेरी कुरकुरे पनीर पॉपकॉर्न। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे गर्मा गर्म सर्व कर लिया है। हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी कुरकुरे पनीर पॉपकॉर्न, जो सभी को बहुत पसंद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पनीर पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पनीर को क्यूब क्यूब करके छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। पहले जो करना है, पनीर को मैरिनेट कर लेना है, इसलिए पनीर को मैं बोल में ले लेती हूँ। अब इसमें डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक। डालूंगी मैगी मसाला, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, और डालूंगी लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार, और डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। डालूंगी दही 1 टीस्पून। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। बहुत सावधानी से करना है, पनीर टूट ना जाए। मैंने मिक्स कर लिया है। अब जो करना है, मैंने एक बोल में मैदे और कॉर्न फ्लावर ले लिया है, इसको पानी से घोल लेंगे। मैंने मैदे और कॉर्न फ्लावर को एक साथ घोल लिया है। अब जो करना है, इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर मिला लेना है, आप चाहो तो नहीं भी मिला सकते हो। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में मैं एक कुरकुरे पनीर पॉपकॉर्न बना रही हूँ। मैं इसमें कोई केचप यूज नहीं किया है, आप चाहो तो कर सकते हो। अब जो करना है, पनीर को एक एक करके कोट करना है। एक पनीर को पहले मैं सूखे मैदे पे डाल रही हूँ, फिर इसको इस घोल में डालना है, इसको फिर से सूखे मैदे में डालना है, इसको फिर ब्रेड क्रम्स में डाल के कोट कर लेना है। पनीर को अच्छे से कोट करना हो गया है। अब जो करना है, इसे 10 से 15 मिनट तक फ्रिज में रखना है, डीप फ्रिज में, फिर इसको फ्राई करना है। तो चलिए इसे फ्रिज में रख देते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने पनीर को फ्रिज से निकल लिया है। देखिए इतनी अच्छी तरह से ये सेट हो गया है। अब चलिए इसे फ्राई करने चलते हैं। मैंने गैस पे फ्राइंग पैन चढ़ा लिया है, इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो जाए फिर मैं इसमें पॉपकॉर्न को फ्राई कर लूंगी। एक डाल के पहले देख लेते हैं ये अच्छे से गर्म हुआ या नहीं, और थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, चलिए इसमें डाल देते हैं। इसी प्रोसेस में मैं सारे पॉपकॉर्न फ्राई कर लेती हूँ। पनीर पॉपकॉर्न को तब तक फ्राई करना है जब तक ना ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो पे एक लाइक देके मेरी रेसिपीज को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। आपको कुछ स्नैक्स खाने का मन हो तो आप जल्दी से ये पॉपकॉर्न बना सकते हो। पनीर खाना किसे ना पसंद होता है। आप इसे पुदीने की चटनी, ग्रीन चटनी या टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हो। मैंने कोशिश किया है बहुत कम टाइम में और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में एक कुरकुरे पनीर पॉपकॉर्न बनाना। मेरी कुरकुरे पनीर पॉपकॉर्न फ्राई हो गया है। अब मैं इसे उठा लेती हूँ। मेरी कुरकुरे सा पनीर पॉपकॉर्न बिल्कुल रेडी है, चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व कर लिया है। आप पुदीने की चटनी या धनिया पत्ते की चटनी से सर्व कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। फिर मिलूंगी आप सभी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब के लिए अच्छी रहना, सावधानी से रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।